Hey guys, it's Devina and welcome back to my channel, The Hapiness Cocktail. So guys, so first of all, thanks a lot for tuning in. And in my channel, Odisha series is going on and मेरे दो वीडियो ऑलरेडी अप हैं जगन्नाथ पुरी और भुवनेश्वर के ऊपर, थिंग्स टू डू इन भुवनेश्वर. और ये मेरा थर्ड वीडियो है, इसमें मैं एक नंबर मार्केट एक्सप्लोर करने वाली हूँ. और अगर आपको इसके पहले के दो वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ डू चेक इट आउट, लिंक विल बी देयर ऑन माई डिस्क्रिप्शन पार्ट. सो या गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो नाउ. Hey guys, welcome to the Hapiness Cocktail. So in my today's video, I'll be going to cover this एक नंबर मार्केट जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब लोकल यहाँ का ओरिजिनल मतलब सस्ता मार्केट जो बोलते हैं ना, वैसा मार्केट है. तो मैं आई हूँ यहाँ एक्सप्लोर करने, बट हम गलती से दो नंबर में फंस गए हैं. तो अब हम वापस एक नंबर में देख रहे हैं कहाँ से जाना है. तो ऐसा है, बहुत ही जो लोकल शॉप होती है सस्ती में, वैसे वाला अभी तक दिख रहा है. अगर कुछ अच्छा दिखता है तो मैं ज़रूर कवर करूँगी. सो स्टे ट्यून्ड, इफ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग. सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम कवर करने वाले हैं भुवनेश्वर का एक नंबर मार्केट. सो जब हम लोग यहाँ आए थे तो मैं गूगल में सर्च कर रही थी थिंग्स टू डू और प्लेसेस टू विजिट इन भुवनेश्वर पुरी. तो यहाँ का ये एक नंबर मार्केट आ रहा था लिस्ट में, मतलब ऑन टॉप ऑफ 5-6 लिस्ट में तो ये आ ही रहा था. तो मुझे लगा क्यों ना मैं कवर करूँ और मैं जाके देखूँ कि कैसा है. तो वही मेरा वीडियो रहेगा आज का. और मैं जगन्नाथ पुरी और भुवनेश्वर कर चुकी हूँ. मेरा दो वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी इस टॉपिक पे. सो अगर आपको देखना होगा तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डू चेक इट आउट. सो जो एक नंबर मार्केट है वो यहाँ के लोकल मार्केट है, मतलब आप अगर थोक में कुछ चाह रहे हैं या सस्ते में कुछ सामान चाह रहे हैं उसके लिए आप यहाँ जरूर आ सकते हैं. बट इट्स नॉट मोर इन टू द टूरिस्ट थिंग, आई कैन से. सो ये जो एक नंबर मार्केट है, आप इसे बेंगलोर का कमर्शियल स्ट्रीट समझ सकते हैं. सो आप कुछ मिल जाएगा यहाँ, छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज़ मिलेगी. मतलब आपको थाली प्लेट से लेके खाने का सामान से लेके साड़ी से लेके रुमाल तक सब कुछ मिल जाएगा. आप समझ सकते हैं कि ये कैसा बड़ा मार्केट है. तो यहाँ दो नंबर मार्केट है, एक नंबर और बहुत सारे ऐसे ही नंबर के मार्केट हैं. तो हम लोग को जाना था एक नंबर मार्केट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है. So yeah guys, let's start our video, and if you like this video then don't forget to give this video a big fat thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't done already. Let's see kya kya dekhte hain hum. और मतलब इससे कुछ इससे हाई रेंज दिखाओ फिर. ये ऐसा ही 700 में ऐसे ही आएगा बोल रहा हूँ. ये तो एकदम सिंपल हो जाएगा भैया. मम्मी लोग के लिए ये भी साड़ी है नीचे वाली. सब ये सब ये यहाँ के पहनते हैं ना, सब बंगाली वाली साड़ी है. मंडे को ये हम लोग के ना, जैसे क्या होता है पूजा का, एक पूजा का साड़ी है ये. अच्छा अच्छा, कल पूजा में पहनते हैं, जगन्नाथ वाला पूजा में नहीं, वो लक्ष्मी का पूजा होता है. अभी है क्या कोई पूजा है क्या? नहीं, आ रहा है, आ रहा है. वो सितंबर अक्टूबर में आता है. और ये सब क्या है? ये अली बंगाली कॉटन, बंगाली. ये देखो एक बार, ये भी तो अलग ही है हमारे लिए. बंगाली कॉटन, वो वाली बंगाली कॉटन. दिस इज बनारसी, बनारसी है ना, बंगाली कॉटन भैया. वाला निकालना है. सो ये जो साड़ी देख रहे हैं ये बंगाली कॉटन कॉटन साड़ी है और ये 900 कुछ का था. और ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि सही है कि नहीं लेना, तो मैंने इसे नहीं लिया है. अब हम लोग जा रहे हैं दो नंबर मार्केट से एक नंबर मार्केट की ओर. और जो दो नंबर मार्केट है वो ऐसे ओपन शॉप में है और एक नंबर मार्केट पूरा ही अंडरग्राउंड पे लगा मुझे. और यहाँ पर जो बेंगल्स की शॉप है, ओ माय गॉड, मतलब द बेस्ट. इतने कम प्राइस में इतना अच्छा कलेक्शन है, मुझे लग रहा है कि ये तो अपन को बेंगलोर में भी नहीं मिलने वाला है. सो हैट्स ऑफ फॉर देम, मतलब बहुत सही प्राइस पे बहुत सही कलेक्शन थे इनके पास. Thank you.
सारी कितना? ये संबलपुरी है क्या? 650 इट इज. Hey guys, so stay tuned for my next video, and in that video I'll be going to show you what all I purchased from Odisha. So thanks a lot guys for watching the video. I'll see you on my next video. Till then, take care of yourselves. Bye bye. Street food, and it was so good, you guys.